स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हम अपने इस वीडियो के पहले पार्ट में जान चुके हैं कि वो कौन कौन से कॉजेज थे, वो कौन कौन से कारण थे जिनसे सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स ने एक साथ यूनिफाइड होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करने की कोशिश की। 1857 का ये रिवोल्ट इंसर्ज हुआ या रिबेलियन स्टार्ट हुआ। हम पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अन्य कारणों के साथ इस रिवोल्ट के शुरू होने का जो इमीडिएट कॉज था या जो स्पार्क था या जो चिंगारी थी जिसने इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, इस रिबेलियन को स्टार्ट किया, वो एक राइफल थी और उसमें यूज़ होने वाली एक कार्टरेज थी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से 1857 का ये रिवोल्ट बैरकपुर से शुरू होके पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। इस वीडियो में हम उन सभी क्षेत्रों का, उन सभी एरियाज का जिक्र करेंगे, उन सभी कमांडर्स और लीडर्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस 1857 के रिवोल्ट में। दोस्तों, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो 1857 का रिवोल्ट है, ये अनेकों नामों से जाना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस जो स्कॉलर पीपल हैं, उनके नज़रिए से और कुछ ब्रिटिश और यूरोपियन स्कॉलर्स के नज़रिए से इस रिवोल्ट को इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे ब्रिटिश स्कॉलर पीपल ने और हिस्टोरियंस ने सिपाही म्यूटनी कहा है, जबकि भारत के बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको ग्रेट रिबेलियन, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन इंसरेक्शन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, ये इतने नामों से जाना जाने लगा। इनमें से बहुत सारे नाम तो ब्रिटिश स्कॉलर्स ने दिए, लेकिन द इंडियन इंसरेक्शन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रिबेलियन, ये इस तरह के कुछ नाम इसको भारतीय हिस्टोरियंस ने या स्कॉलर पीपल्स ने दिए। तो ये तो बात हो गई कि इस रिवॉल्यूशन को या इस रिबेलियन को, इस रिवोल्ट को किन किन नामों से जाना जाता है। अब शुरू करते हैं कि ये रिबेलियन कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये कहानी है 1857 के शुरुआती जनवरी के महीने की। इस समय एक नई गन जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में, जिसका नाम था रॉयल एनफील्ड। तो ये जो गन थी, इस गन की जो बैरल है, इसे बैरल कहा जाता है, इस बैरल में बुलेट को लोड करने से पहले एक कार्ट्रिज के द्वारा क्लीन करना पड़ता था या लुब्रिकेंट करना पड़ता था। अब जनवरी के महीने में बंगाल के दमदम एरिया में ये एक रूमर फैल गया जनवरी 1857 में कि ये जो कार्ट्रिज है, जो कि रॉयल एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले दांतों से काट करके इस बैरल में डालनी पड़ती है बुलेट को लोड करने से पहले, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ र्यूमर विच स्टार्टेड फ्रॉम दमदम। वेर इज दमदम? दमदम इज द एयरपोर्ट टूडे, इन टूडेज वर्ल्ड इट इज द एयरपोर्ट इन बंगाल। एट दैट टाइम बंगाल वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जनवरी 1857 में ये रूमर बंगाल से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये मार्च 1857 तक बैरकपुर वेस्ट बंगाल में पहुंच गया। जब ये खबर, जब ये अफवाह बैरकपुर छावनी या कंटेनमेंट एरिया में पहुंची, तो वहां के जो सिपाही थे वो काफ़ी उग्र हो गए, उनमें काफ़ी अविश्वास फैल गया या वो डिसएग्री हो गए इस कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए। उन्होंने इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया। इन्हीं सिपाहियों में एक सिपाही थे, उनके नाम था मंगल पांडे। ये घटना है 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में एक परेड के दौरान मंगल पांडे ने इस राइफल से फायर करने के लिए मना कर दिया। जब उनको फोर्स किया गया, उनके कंपनी कमांडर ह्यूगसन और उनके सार्जेंट बाग
ये दो ऑफिसर्स मंगल पांडे को फोर्स करते हैं कि आप इस कार्ट्रिज को छीलिए और इस राइफल से फायर करके दिखाइए। लेकिन मंगल पांडे ने फायर तो किया, लेकिन उन्होंने वो फायर इन ऑफिसर्स के ऊपर कर दिया। उन्होंने हुक्सन और बाघ पर अटैक कर दिया और उसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया, उन पर ट्रायल की गई और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया टू डेथ, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। बैरकपुर की जिस छावनी में घटना हुई या जिस रेजिमेंट में घटना हुई उसे कहा जाता है 34th बंगाल इन्फेंट्री। तो 34th बंगाल इन्फेंट्री का यह सिपाही बिहार का रहने वाला था। यह बहुत ही सुंदर कद काठी का व्यक्ति था और यह जाति से ब्राह्मण था। तो जब ये रूमर बैरकपुर छावनी में इनको पता चला कि ये काव और पिक की फैट से बनी हुई कार्ट्रिज है, इस तरह से उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए और रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने के कारण ये उग्र स्वभाव इनके अंदर जागृत हुआ और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो ये खबर आग की तरह पूरे उत्तरी भारत में और सेंट्रल इंडिया में फैल गई और इस तरह यह खबर पहुंची 10 मई 1857 को मेरठ कैंटोनमेंट एरिया में। आज का जो यूपी है उसमें मेरठ एक जगह है जहां पर ब्रिटिश आर्मी का गैरिसन टाउन हुआ करता था, वहां भी एक कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था। तो यहां के लगभग 80 सिपाहियों ने, 80 सोल्जर्स ने, इंडियन सोल्जर्स ने इस रूमर को सुनने के बाद और मंगल पांडे के साथ में जो इंसिडेंट हुआ उसको सुनने के बाद इन दो कारणों से रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने हथियारों के साथ ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे कैंटोनमेंट एरिया को, पूरे मेरठ को उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसके बाद जब इन 80 सिपाहियों को ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तो पूरी कैंटोनमेंट के अंदर, पूरी इन्फेंट्री के अंदर, ये जो मेरठ में जो इन्फेंट्री थी, इस पूरी रेजिमेंट के अंदर सारे इंडियन सिपाहियों ने मिलकर के जिस कैद खाने में, जिस प्रिजोन के अंदर इन 80 कैदियों को रखा गया था, इंडियन भारतीय सोल्जर्स को रखा गया था, उस पर अटैक करके वहाँ से हथियार छीन लिए, ब्रिटिशर्स को मार दिया, ब्रिटिश ऑफिसर को, और इन 80 सिपाहियों को वहाँ से रिलीज करके अब ये बहुत बड़ा एक रिवोल्ट बन जाता है और ये सारे सिपाही फिर चल पड़ते हैं 10 मई की रात को दिल्ली। और ये बिल्कुल सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं और लाल किले का घेराव कर देते हैं। इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर टू, जो कि काफी बूढ़े हो गए थे, 80 साल की उम्र के हो गए थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इस विद्रोह का लीडरशिप नहीं करना चाहते थे, लीड नहीं करना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ को देख करके और इन रिबेलियंस के दबाव में आकर के बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह या मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया और इस तरह से उनकी लीडरशिप में 1857 का ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। दोस्तों इस खबर को पूरे उत्तरी भारत में और मध्य भारत में फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब ये खबर आर्मी रिवोल्ट से या सिपाही म्यूटिनी से सिविल रिवोल्ट में तब्दील हो गई तो उसमें भारत के दूसरे सेगमेंट के लोग, पीजेंट्स या जो रूलर्स जिनकी किंगडम्स को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू या सब्जी अलायंस के थ्रू, उनकी ऑनेस्टी को डिक्लाइन कर दिया गया था, छीन लिया गया था, उनकी अथॉरिटी को छीन लिया गया था, वो भी इसी फ्राक में बैठे थे क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स को ही जिम्मेदार समझते थे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सक्सेसर थे जो एडॉप्ट किए गए थे रूलर्स के द्वारा, बट ब्रिटिशर्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया न्यू रूलर्स के रूप में, तो वो भी अपनी आर्मी को तैयार करते हैं और पूरे उत्तरी और मध्य भारत में
अलग अलग जगहों पर ये रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों वो कौन से एरियाज हैं जहां पर ये रिवोल्ट सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ और जहां के नवाब और जहां के लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये रिवोल्ट 10 मई 1857 को शुरू होता है और ये लगभग एक साल तक कंप्लीट, डेढ़ साल तक ये रिवोल्ट लगभग चलता है और 20 जून 1858 को फाइनली ग्वालियर की डिफीट के बाद में जो रिवोल्ट मेरठ कैंटोनमेंट से शुरू हुआ था, वो ग्वालियर की डिफीट के बाद जहां तात्या टोपे लास्ट में हार जाते हैं, ये रिवोल्ट लगभग एक डेढ़ साल के बाद सप्रेस कर दिया गया। लेकिन ये वो एरियाज हैं झांसी जहां रानी लक्ष्मीबाई जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, गंगा राव की डेथ के बाद, अपने बेटे दामोदर राव को जो कि उनका एडॉप्टेड सन था उसको सत्ता देना चाहती थी, उसको राजा बनाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दी। तो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ रही थी अपने सैनिकों के साथ। वहीं अवध की जो बेगम हजरत महल, जो अवध के लास्ट नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, वो अपने बेटे ब्रिजेश कादिर के लिए लड़ रही थी, क्योंकि ब्रिजेश कादिर वाजिद अली शाह का रियल सन था। इसके बावजूद ब्रिटिशर्स ने उनके इस किंगडम को यानी उनके इस राज्य को, अवध को कैप्चर कर लिया मिस गवर्नेंस का बहाना लेकर के। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने मिस गवर्नेंस का बहाना लेके और रानी हजरत महल को बोला कि ब्रिजेश कादिर जो है बहुत यंग है, बहुत छोटा है और ये पूरे अवध बहुत बड़ा स्टेट है, वो इसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि स्टेट को हम चलाएं। जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो हायर, रियल हायर नहीं होगा, एडॉप्टेड होगा, उसी राज्य को सिर्फ एनेक्स किया जाएगा। जबकि यहां पर अवध में इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर के भी लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कैप्चर कर लिया। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने बेटे ब्रिजेश कादिर के लिए लड़ रही थी। वहीं कानपुर में नाना साहब, देखिए ये नाना साहब कौन थे, मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे। इनका असली नाम था धुंधुपंत, लेकिन लोग इनको नाना साहब के नाम से जानते हैं। कानपुर में नाना साहब लड़ रहे थे। जगदीशपुर कहां पर है, आज के प्रेजेंट डे बिहार में है। तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो कि यहां के एक कम्युनिटी के चीफ हुआ करते थे, इन्होंने बहुत बड़ा मुकाबला किया और कुंवर सिंह जाने जाते हैं कि इस पूरे रिवोल्ट में सबसे ज्यादा जीत जो दर्ज की थी वो कुंवर सिंह ने की थी। चलिए आगे ग्वालियर देखिए। ग्वालियर 1858 में जब लास्ट में मैंने आपको बताया कि 20 जून 1858 में ग्वालियर की डिफीट के बाद में ये रिवोल्यूशन एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को इस रिवोल्ट के खत्म होने की सरकार फॉर्मल डिक्लेरेशन करेगी। तो ये ग्वालियर का जो स्टेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तात्या टोपे हैं वो पहले कानपुर में नाना साहब के साथ लड़ रहे थे, लेकिन कानपुर में नाना साहब की डिफीट के बाद वो ग्वालियर चले जाते हैं और ग्वालियर को अपना गैरिसन टाउन बनाते हैं और वहां पर अपना कंट्रोल करते हैं और वहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिवोल्ट करने लगते हैं, रिबेलियन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक साल तक वो लड़ते रहे। उसके बाद ग्वालियर जो है, तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा सकते हैं कि नाना साहब का असली नाम क्या था, धुंधुपंत था, और तात्या टोपे का असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट प्लेस बताए हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे और भी छोटे छोटे एरियाज हैं, जैसे राजस्थान में टोंक है और बिहार में छत्तीसगढ़ के एरिया है, छोटा नागपुर का एरिया है, इसी तरह एमपी में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ये रिवोल्ट चलाए जा रहे थे। लेकिन हमारी हिस्ट्री में और हमारे इस चैप्टर में इन स्टेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इनका यहाँ पर जिक्र किया है। ये घटनाक्रम जो ये डेट वाइज जो मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे लिखा है, ये सारी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप इन डेट्स को जरूर एक बार गो थ्रू करना, इनको रिमाइंड करना, याद करना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे असल में कहाँ का रहने वाला था, तो उसका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार का रहने वाला था। पूछ लेते हैं कि
इस रिवोल्ट की शुरुआत कहां से मानी जाती है? देखिए वैसे तो रिवोल्ट मंगल पांडे ने शुरू किया था, लेकिन उस समय यह सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी थी और एक अकेले सिपाही द्वारा किया गया एक विद्रोह था, इसलिए उसकी शुरुआत वहां से नहीं मानी जाती। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई, तो 10 मई 1857 से मेरठ से मानी जाती है। 10th मई 1857 इट वाज द स्टार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857। तो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में, हमने देखा कि किस किस डेट पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये इवेंट शुरू हुआ और कैसे फिर 1 नवंबर 1858 तक आते आते ये रिवोल्ट एंड अप हो गया। तो लगभग 1.5 साल तक ये अलग अलग एरियाज में चलने वाला हमारा विद्रोह, जिसे हम सिपाही म्यूटनी या द ग्रेट रिबेलियन या द रिवोल्ट ऑफ 1857 या इंडियन इंसर्शन या द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस माना जाता है। इस समय जब ये रिवोल्ट चल रहा था तो दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भारत का मुगल एम्परर इस समय कौन था? तो इस समय भारत का मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर टू, जिसको ये सब हार जाने के बाद, इनको डिफीट करने के बाद, सप्रेशन करने के बाद रंगून एग्जाइल पर भेज दिया जाता है इनकी पत्नी के साथ। इनकी एज 80 ईयर्स के थे, काफ़ी बूढ़े और के थे। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश का? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी 1856 में, देखिए 1848 से 1856 जो था, यहाँ पर कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद 1856 से और 1861 तक कौन रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। तो ये रिवोल्ट जो हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, हालांकि इस पूरे रिवोल्ट के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड डलहौजी। और देखिए इसका सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी उसको माना जाता है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिशर्स ने या लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया, सिर्फ इस बेस पर क्योंकि राजाओं के अपने खुद के बेटे नहीं थे और उन्होंने अडॉप्टेड सन को अपना सक्सेसर नियुक्त किया था। तो इस पॉलिसी से बहुत सारे जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, वो पहले से ही जो है वो डिसकंटेंटेड थे या नाराज़ थे और वो इंतज़ार कर रहे थे ऐसे किसी यूनिफाइड एक इंस्ट्रक्शन का। तो जब ये सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुई उसके बाद ये पूरी एक सिपाही म्यूटनी तब्दील हो जाती है सिविल रिबेलियन में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। आगे का जो 1857 रिवोल्ट की घटना है वो हम कि इसके इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि 1857 के क्या इम्पैक्ट रहेंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं फिर।